जी भाई बताएं, आपके साथ क्या मामला पेश आया? मेरा नाम नरेंद्र गहलोत है, अटल अयूब नगर में रहता हूँ, केटी छोले पर। कल सुबह मेरी दो बेटियों को पेट में दर्द होने के कारण मामूली इस हॉस्पिटल में हम लोग लाए गए हमीदिया में, जिसमें से हमारी एक बेटी को मेडिकल में भर्ती कर लिया गया और दूसरी बेटी को कोविड कह के बगल वाले नीचे भेज दिया गया। मैंने मैडम से रिक्वेस्ट की, इसको कोविड नहीं है मैडम, इसको पेट दर्द हो रहा है, रात भर मेरी लड़की तड़पी, उसको कोई इलाज नहीं मिला, कोविड कोविड कहते रहे और सुबह 9-10 बजे उसको निगेटिव बताकर मेडिकल भेज दिया और पहली लड़की जो थी उसको शाम तक डी एंड कर दिया। मेरी छोटी वाली 16 साल की सुभानी को शाम को 6-7 बजे मृत घोषित करके मेरे हाथों में दे दिया गया था, और बड़ी लड़की जिसको कोविड घोषित किया गया था जबकि निगेटिव आई उसको पुनः मेडिकल में डाल दिया गया और वो अभी बेहोश पड़ी हुई है, ना मुझे मिलने दे रहे हैं। अगर मैंने 2-3 बार कहा डॉक्टर साहब इसका इलाज सही कर दो साहब ये तड़प रही है इसकी, तो बोलते हैं हमसे ज़्यादा बात मत करो, हमें मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री और भारत के प्रधानमंत्री कोरोना बॉलियर कहते हैं, हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे, लड़की शमशान जाएगी, तुम जेल चले जाओगे, हम ऐसा लिख देंगे। साहब मैं डरा हुआ हूँ, ये व्यवहार है डॉक्टरों का आपके साथ? ये व्यवहार है साहब, हाँ बोलते हैं गार्ड को बुला उसको बाहर करवाओ, और बहुत सारे डॉक्टर किस किस को पहचान साहब। लेकर आए थे आप अपनी बच्चियों को यहाँ? कल सुबह लेकर आए थे दोनों बेटियों को, उसके बाद आपको नहीं, नहीं कल तो मिलने दिया, आज नहीं मिलने दे रहा है दोपहर के बाद से मुझे। पेट डॉक्टर ने पहले एक बेटी को बताया कि इसको पेट में क्या बोलते हैं वो पेट में जो होता है नहीं वो नहीं पेट में वो टीवी टीवी बताया, हम फेफड़ों में क्या होता है सब बताने साइन का हम करते चले गए साहब, उसको डेट उसको फिर ये दूसरी को भी यही बताया सुबह, तो पहले कोरोना बताया। बच्चों को तकलीफ क्या थी जब आप यहाँ लेकर आए? सिर्फ कम पेट दर्द और सर दर्द आम की तरह, कुछ नहीं था साहब। और चलकर ऑटो में बैठा के लाए, पैदल चलकर लड़कियाँ आई जी, सीढ़ी चढ़ के ऊपर गई, पलंग पे लेट गई। बच्चों का पुराना कोई इलाज वगैरह था क्या? पहले तो बीमार थे? नहीं कभी बीमार नहीं, एक दो बार कभी थोड़ा बहुत पेट सर दर्द आम होता है, अस्पताल ये ठीक हो जाती हैं। शिवानी को 5 दिन पहले हम यहाँ लाए थे, तब उनने कहा था 5 दिन बाद ले आना, लेकिन दवाई दे दी, दवाई खिलाने लगे तो उस दवाई से फर्क फायदा नहीं पड़ा, बल्कि वो भूख और नहीं लगी उसको, तो तत्काल लाना पड़ा। उसका निधन हो गया, उसकी डेड बॉडी ले आने दे रहा है आपको? जिसका उसको तो हम कल ले गए, आज हमने अंतिम संस्कार कर दिया, कल ही दे दी उनने चुपचाप, कल ही दे दी। क्या कहा था उसको ले जाते वक्त? उसको ले ये कहा था बस ये खत्म हो गई, इसको ले जाइए आप। तो मैंने कहा साहब मैं लेकर जाऊँ, गरीब आदमी मेरे पास साधन भी नहीं है, तो बोले हम नहीं कराते, एक इंचार्ज साहब बैठते नीचे चले आई सर्जरी, हम वहाँ गए तो साहब थे मोटे मोटे, इन्होंने हाथ पैर जोड़े कहले नहीं यहाँ किसी को खैरात नहीं, जाओ यहाँ से। मैं चुपचाप आ गया, रोता रोता फिर यहाँ पर गाड़ियाँ होती हैं, तो एक भाईजान है मोटे मोटे, मैं उनको शक्ल से जानता हूँ, उनके पैर पड़े, कहले बेटा घबरा मत, उन्होंने एक मुझे निःशुल्क गाड़ी करके दी मेरी बच्ची की डेड बॉडी। उनका क्या व्यवहार था आपके साथ, क्या बोले? मुझसे कुछ सही बोलते, वो तो उनका कहना है वो डॉक्टर जाने लड़की जाने बाहर चलो। अभी जो आपकी बच्ची एडमिट है उसकी क्या हालत है? उसके मिलने ही नहीं दे रहे साहब, वो तो गफलत में पड़ी है, पता है कर भी रहा है इलाज के नहीं कर रहे, मुझे ये नहीं पता है। डॉक्टरों को कहना है साहब गड़बड़ करोगे तो हम कुछ ऐसा लिखेंगे कि लड़की तो हमसान जाएगी, तू जेल जाएगा। अगर वो नेगेटिव है तो प्राइवेट ले चले उनको? जी साहब ले चलिए, मैं लड़की को बचा लीजिए, बस मैं दुआ है जहाँ भी ले जाओ मेरी लड़की को जिंदा करवा दो। शासन प्रशासन मेरी शहर की आवाम से है, मैं जो परेशान हो रहा हूँ, एक लड़की का बाप जिसे चिता सुबह चलाइए, दूसरी लड़की का चिता मत चला दे, चिंता दे दो बस। मैं तो मुख्यमंत्री से भी कहूंगा अगर तुम सच्चे मामा हो तो उस भांजी को बचा लो, मेरी बच्ची को बचा लो, मौजूदगी मौत के बीच में झूल रही मत, उसकी मुझे डेड बॉडी मत देना, जिंदा दे देना साहब, मेरा खून का कतरा कतरा ले लो साहब, मगर मेरी बच्ची दे दो मुझे जिंदा, जैसे आई थी वैसी मालिक, बस यही मेरी विनती है सबसे विनती, और मुझे कोई सबके पैर पड़ने तैयार साहब, जो कहेंगे बस मेरी बच्ची दे दो।